यस स्टार्ट करते हैं 8 जनवरी शिफ्ट 2 के जेई मेंस के पेपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। और देखिए इन पेपर्स के डिस्कशन का एक पर्पस होता है कि आप समझें कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट प्रिपरेशन का मेथड कंसेप्चुअल पढ़ाई अगर आपने प्रॉपर की है तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते थे। ये पेपर भी बाकी 3 पेपर जैसा ही था, कई क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी थे, कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, पर ओवरऑल पेपर देखें तो आप 1 आवर में इजिली 25 तक क्वेश्चन पे रीच कर सकते थे। बट डिपेंड ऑन कि आपने सिलेक्शन क्वेश्चन का प्रॉपर किया है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी एक्जेक्टली 1 = 2/5, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1/2, देन पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। एक्जेक्टली 1 का मतलब आपको पता है पी ए प्लस पी बी, मैं इसका कंसेप्ट भी बताता हूं क्या, -2 पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5, और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। अच्छा आपको पता है, देखिए एक्जेक्टली 1 का मतलब होता है जब ए होगा तो बी नहीं होगा, और जब बी होगा तो ए नहीं होगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा आता है। समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 - pb सिमिलरली पी बी इंटू 1 - pa, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो पी ए प्लस पी बी, देखिए -2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटू पी बी, जिसे आप पी ए इंटरसेक्शन, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। आप कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो गए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम भी नहीं लगेगा, राइट अच्छा एक बात, पी ए यूनियन बी आपको पता है क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन था, मतलब कहीं उलझना नहीं था। तो अगर ये 2 को हम 1 टाइम कर दें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी -p ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी एग्जैक्टली 1 बोल सकते हैं। आप देखिए ये दिया हुआ आपको 1/2 -2/5 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 - 4 यानी 1/10। अब ये इसका करेक्ट आंसर है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते थे। पेपर डिस्कशन के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हैं पढ़ते समय जो अगर आपने बेसिक बना के किया है तो इसका एडवांटेज मिलेगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या है मैट्रिक्स का, काफी सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 2924, आई इक्वल टू 1001, देन 10 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स पूछा है। अब आपको याद होगा अगर ए ऐसा दिया है ए बी सी डी, तो इसका ए इनवर्स आपको डायरेक्टली बताया गया है 1/a, ए इनवर्स 1/ad -bc इनटू डी, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं और इसके साइन चेंज होते हैं। इसका मतलब आप चाहें तो इसका ए इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते थे। देखिए क्या होता, 8 - 18 यानी -1/10, और ये चेंज होते हैं तो 4 and 2, इसका केवल साइन चेंज होता। अब मैं बोलूं कि 10 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो ये 10 कैंसिल, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं -4 - 9 - 2, यस और नो। अब ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए -4 लाना है तो -4 जब ही आएगा जब 2 में से -6 होगा, तो 2 में से -6 यहीं पे है हो रहा है। देखिए ए -6i, अगर मैं आपसे अलग से बोलूं कि ए -6i करिए तो देखिए क्या होता, आपको एक सिंगल टर्म से समझ में आ गया कि क्या हो सकता था। अब यहां 6 टाइम है तो 6 आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 2 - 6 - 4, ये 2 रहा, 9 - 0 - 9, और 4 - 6 - 2, देखिए दिस इक्वल टू दिस, यानी कितने अच्छे बेसिक। अगर आपने 12th की अच्छे से प्रिपरेशन किए तो आप जेई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। नोट करिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, fx इक्वल टू x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये गिवन था, ग्रेटेस्ट वेयर दिस वन इज अपॉन x² + 1, 1, 3 यानी डोमेन दिए 1, 3 टेंस टू रियल, देन रेंज ऑफ fx यानी आपसे यहां पर रेंज पूछी है कि रेंज क्या होगी क्वेश्चन की, राइट अब समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एक सीधा लॉजिक है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना नेचर इंटीजर पे ही चेंज करेगा। जैसे 1, 2, 3 अगर मैं 1 भी रखूंगा 1.001 तो भी 1, 1.999 तक भी 1, ठीक 2 पे नेचर चेंज करेगा 2, और 2.999 तक भी 2 रहेगा। यहां पर 2 वैल्यू 1, 2, 3 दिया है, तो इसका मतलब हमें fx को कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम x इंटू अपॉन x² + 1, कब
एक्स बिलोंग टू 1 2 2 और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बिलोंग टू 2 2 3। देखिए क्या करा आपने, आपने रियल लाइन पे ब्रेक किया 1 2 एंड 3। 1 से 2 में नेचर 1, 2 से 3 में 2, तो 1 से 2 में 1 नेचर इसलिए 1, 2 से 3 में 2 नेचर इसलिए 2। अब आपको रेंज पूछा है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें 1 रखिए तो 1 बाय 2 मिलेगा, 2 रखिए तो 2 बाय 5, तो रेंज हो गई 2 बाय 5 टू 1 बाय 2। यूनियन एक ये वाला पार्ट होगा, ठीक 2 रखिए तो 4 बाय 5, ठीक 3 रखिए तो 6 बाय 10 यानी 3 बाय 5, जो छोटा वो पहले लिखा जाएगा, तो 3 बाय 5 से 4 बाय 5 क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इसलिए है क्योंकि 2 एग्जैक्टली ले सकते हैं, 1 एक्सक्लूड है इसलिए 1 पे एक्सक्लूड करा, 2 एक्सक्लूड है इसलिए ओपन इंटरवल है, 3 भी एक्सक्लूड है इसलिए ओपन इंटरवल है। तो देखिए कोई ऑप्शन है, 2 बाय 5 से 1 बाय 2 यूनियन 3 बाय 5 से 3 बाय 5 से 4 बाय, एक मिनट ये कितना आएगा, 2 से कैंसिल किया तो 3 बाय 5। जब आपने ठीक इसमें 3 रखा होगा तो ये हो गया होगा 6 अपॉन 10 यानी 3 बाय 5। तो करेक्ट आंसर होगा ये 3 बाय 5 होगा, ये 4 बाय 5 है तो 3 बाय 5 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हुआ 2 बाय 5 से 1 बाय 2 यूनियन ऑफ 3 बाय 5 टू क्लोज इंटरवल 4 बाय 5। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 टू 1 टी साइन 10 टी अपॉन एक्स। अगर आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो आप एक अच्छे स्कोर पे जा सकते हैं। आप देखिए यहां पे 0 रख दो तो 0 बाय 0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है यानी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। तो सिंपली एक स्टेप में कर सकते हैं, टी के प्लेस पे एक्स, एक्स इंटू साइन 10x अपॉन 1, एक्स की अगर 0 रख दिया तो करेक्ट आंसर इज 0। यानी सिंगल सिंगल स्टेप वाले भी क्वेश्चन थे, जैसा मैंने आपको ऑल द बेस्ट मैसेज में बोला था कि आपको कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिंगल स्टेप में कर सकते हो। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, एक एक स्टेप में होने वाले क्वेश्चन थे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए क्या, लेट पी बी द सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पॉइंट इन द सेट पी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में भी आया था, वही क्वेश्चन वैसा दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू की कंडीशन के साथ ही था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मैंने आपको बताया था और इक्वल लेके करिए आप। ये एक तरह से ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया कर, और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, एक्स को 0 रखो तो y मिल जाएगा, y 3 है ये 0 3, और y को 0 रखिए, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेंगे आपको, तो अब y की जगह रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इन टू x माइनस 1, वहां पर थोड़ा उल्टा था तो ये माइनस 3 का पॉइंट यहां होगा और 1 का पॉइंट यहां होगा, यानी आपको ये वाला जो एरिया निकालना है। अब एक ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, अब सुनिए ये जो लाइन है वो कुछ इस ढंग से जा रही होगी लाइक दिस, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, थोड़ा और दूर से लेना था ठीक है, -3, 0 और ये पॉइंट जो है वो 1, 0। रफ डायग्राम की जरूरत होती है, वैसे ये कर्व इधर ज्यादा जाएगा उधर कम जाएगा क्योंकि -3 तक गया है। अब आपको केवल करना इतना है, इस लाइन के एरिया में से ये एरिया को माइनस कर देना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, -3 टू 1, लाइन क्या है -2x प्लस 3 और कर्व का एरिया है एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। सिंगल टाइम में भी कर सकते हैं, क्या होगा बताइए, पहले प्लस वाले को लिख लीजिए तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, -x³/3 -3 टू 1। केवल इतना सा ही काम करना था, 1 रखिए तो 3 माइनस 1 माइनस 1/3, -3 रखिए तो -9 एंड माइनस प्लस हो जाएगा और 27/3 तो 9 बचेगा, ये कैंसिल आपस में, ये पूरा ब्रैकेट ध्यान से रखिएगा, तो ये 2 माइनस 1/3 प्लस 9 यानी 6 5/3 प्लस 9, 27 प्लस 5 is 32/3, this is the right answer, 32/3 is a
राइट आंसर, थोड़ा डायग्राम ऐसा हो गया, इधर जितना पोर्शन इधर दिख रहा है एक्चुअल में वो इधर लेना था, पर आपको रफ डायग्राम से मतलब होता है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था प्रीवियस सेट में भी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और एक बार वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री लिया आपने और कर्व को मीट करवाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए और एक बार में आपने एरिया निकाल दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, माइनस थ्री टू वन, थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स, एक्चुअल में तो यही करना था, पर दो बार अलग अलग लिमिट रखने की जगह आप एक बार में भी कर सकते थे। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है वेक्टर का, इस तरह का एक क्वेश्चन और था पिछले पेपर में भी। ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, एंड सी इज नॉन जीरो वेक्टर, सी इज नॉन जीरो वेक्टर, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए डॉट सी इक्वल टू जीरो, देन बी डॉट सी क्या होगा। अब देखिए सी वेक्टर अभी आपके पास नहीं है, आपको लॉजिकली सी वेक्टर पता होगा तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले। अब सी वेक्टर कैसे पता चलेगा, आपके पास ये रिलेशन तो है, आप इस रिलेशन में एक काम करते हैं, सी नहीं पता, दोनों तरफ ए क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, ए या बी किसी का भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अब यहां पर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, जब ये करूंगा मैं तो देखिए क्या होगा, ए डॉट बी सॉरी ए डॉट सी इंटू बी, चाहे तो इसे डायरेक्टली जीरो लिख दें गिवन था, माइनस ए डॉट बी इंटू बचा हुआ वेक्टर सी इक्वल टू सेम थिंग ए डॉट ए इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए। राइट, अब ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन ए डॉट सी जीरो दिया है, ए डॉट बी निकाला जा सकता है, देखिए आपको दिख भी रहा है कि अगर मैं अलग से बोलूं तो ए डॉट बी आप मेंटली करके बता सकते थे वन प्लस टू प्लस वन यानी फोर। राइट, तो ये हो गया फोर टाइम्स ऑफ माइनस का आएगा, माइनस फोर टाइम्स ऑफ सी वेक्टर ए डॉट बी के बाद। अच्छा यहां पर आइए तो ये कितना होगा ए डॉट ए, तो ए डॉट ए मतलब ए वेक्टर स्क्वायर, तो वन प्लस टू इंटू टू फोर प्लस वन यानी सिक्स, तो सिक्स टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी अभी आपने निकाला फोर इंटू ए वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस ऑफ के। राइट, तो बेसिकली माइनस फोर सी इक्वल टू आपको मिला सिक्स आई माइनस फोर आई टू आई माइनस सिक्स जे प्लस एट जे, तो प्लस का टू जे, सिक्स के माइनस फोर के प्लस का टू के, टू से डिवाइड हो गया तो सी इक्वल टू एक तरह से माइनस वन बाय टू आई प्लस जे प्लस के मिल गया। देखिए ये सी वेक्टर आ गया, अब आप कुछ भी बता सकते हैं। अब आपसे जैसे बी डॉट सी पूछा है तो बस हो गया, बी डॉट सी तो वन बाय टू तो आएगा ही, बी ये है तो वन माइनस वन प्लस वन यानी वन बाय टू, वन बाय टू और एक माइनस का भी था तो माइनस वन बाय टू इज अ राइट आंसर। सोचिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर कंसेप्ट पढ़ाई बना के पढ़ाई की है तो आप जेई मेंस में 100 के आसपास स्कोर कर सकते थे, यानी मैथ्स में फुल मार्क्स आ सकते थे अगर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, एक और क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इस तरह का क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में भी था, बाइनोमियल थ्योरम का एक और पिछले पेपर में भी था, ये भी एक क्वेश्चन है। लेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर फोर एंड एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ अल्फा बीटा इज, देन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। मतलब एक्स फोर के कोफिशियंट को आप अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को आप बीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। आप ध्यान दीजिए ये पावर सिक्स है और बीच में प्लस है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे टू टाइम्स ऑफ इवन टर्म। तो पहला आता एक्स पावर सिक्स प्लस सिक्स सी टू एक्स की पावर फोर इंटू इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सिक्स सी फोर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स सी सिक्स एक्स पावर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। राइट, ऐसा आपको मिलता। अब आपको इसमें कलेक्शन ऑफ टर्म निकालने एक्स पावर फोर और एक्स स्क्वायर, जो कि आप इजीली निकाल लेंगे, टू टाइम्स ऑफ एक्स पावर सिक्स सिक्सटी टू सिक्स फाइव अपॉन फिफ्टीन, लिखते चलते हैं फिफ्टीन इंटू एक्स पावर फोर
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 64 इज ऑल्सो 62 15 एक्स स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सॉरी एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 616 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब यानी लॉजिकली एक्स पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन राइट यस। तो ये पूरा एक्सपांशन आ गया। अब इस एक्सपांशन में आपका काम है कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर फोर निकालना, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर फोर जिसे हम अल्फा बोल रहे हैं। तो अल्फा क्या होगा, देखिए टू टाइम तो आएगा ही, इसमें नहीं मिलेगा, इसका इससे होगा तो मिलेगा माइनस 15, इस एक्स स्क्वायर का इससे होगा तो मिलेगा माइनस 30 और ये माइनस 3 माइनस 48 मतलब माइनस 96। अब ऐसे ही कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने जैसे आप बीटा बोल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिल जाएगा 15 टू टाइम्स, यहां रखना आप टू मत भूलिएगा, टू टाइम्स ऑफ 15 और ये प्लस 3 यानी 36। अब आपसे पर ये नहीं पूछा, आपसे पूछा अल्फा माइनस बीटा देन माइनस 96 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 132। वैसे भी देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बिना करे बता सकते थे, एक ही आंसर था माइनस 132। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई प्लस बी वेयर वी इज अ पैरामीटर ए इज, बताना है कौन सा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय प्लस 4b स्क्वायर, राइट, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 4b इंटू dy बाय dx, या यहां से हम b की वैल्यू बोले तो 2 कैंसिल हो गया तो x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ dy बाय dx, बस ये पुट कर दीजिए वन में क्योंकि आपको b का ही तो एलिमिनेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y बी की जगह एक्स अपॉन 2 dy बाय dx प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dy बाय dx का होल स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, लॉजिकली x x x कैंसिल तो यहां मिलेगा x, एलसीएम ले लीजिए तो dy बाय dx इक्वल टू यहां पर आपको मिलेगा 2y और एलसीएम का dy बाय dx एक बच जाएगा प्लस एक्स, ये आ गया आंसर। देखिए सिंगल स्टेप में आंसर आ गया, एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा यहां 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, दिस इज द राइट आंसर। इतने अच्छे और सिंपल क्वेश्चन थे, अगर आप कंसेप्चुअली पढ़े होते तो आपको कभी दिक्कत नहीं होती, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या एपी फॉर एपी T10 इक्वल टू 1/20 T20 इक्वल टू 1/10 देन सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म। आपको याद हो इस तरह का एक क्वेश्चन क्या हुआ, पी टर्म 1/Q Q टर्म इज 1/P देन PQ टर्म पूछा होता तो हम डायरेक्टली 1 लिख देते, बट इसमें सम ऑफ 200 टर्म पूछा है तो जो हमने इसका कंसेप्ट बनाया था जिस तरह से पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही करिए। A प्लस 90 इज 1/20, A प्लस 19D इक्वल टू 1/10 माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, माइनस 10D इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10 माइनस 10D इक्वल टू एलसीएम आएगा 20 तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/20 तो d इक्वल टू 1 अपॉन 200। देखिए d पता है, d यहां रख दीजिए तो a इक्वल टू 1/20 माइनस 9/200, ये एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 9 यानी 1/200। a भी 1/200 है, d भी 1/200 है, s 200 पूछा है तो 200/2 2a प्लस 199d यही लिखते तो ये हो गया 100 2 इंटू ए तो 2 अपॉन 200 प्लस 199 अपॉन 200 यानी लॉजिकली 100 इंटू 201/200 इसका मतलब ये कैंसिल होता तो 201/2 और 201/2 को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 100 इंटू देखिए 200 प्लस 1 डिवाइड करते तो 100 इंटू 1/2 राइट, दिस इज द राइट आंसर। यानी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे कि आप अगर सही से सिलेक्ट करते तो आप बहुत अच्छा पेपर में स्कोर कर सकते थे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।